नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। 300 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक को कवर करने का जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, इसके तहत आज हमारा 8th लेक्चर है। और आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं वो है आदि शंकराचार्य जी के बारे में। जो कंटेक्स्ट यह है कि आदि शंकराचार्य जी का जो बर्थ प्लेस है कलाडी एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला में, उनको नेशनल मोनूमेंट घोषित करने की संभावना है, इसीलिए चर्चा में है। जो शंकराचार्य जी का बर्थ प्लेस है कलाडी, वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है उसको देख लेते हैं। श्री शंकरा जी का टेम्पल है, शारदा देवी टेम्पल है, श्री कृष्णा टेम्पल एंड श्री रामाकृष्ण टेम्पल है। यहाँ पे नेशनल मोनूमेंट्स थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये डिसाइड करता है कि नेशनल मोनूमेंट साइट्स कौन हो कौन ना हो, तो ये डेजिग्नेटेड बाय दिस ASI। और एक एक्ट है 1958 का एक्ट है जिसका नाम है आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। इस एक्ट के तहत नेशनल मोनूमेंट का स्टेटस दिया जाता है और यह एक्ट भारत सरकार को यह ऑथराइज करता है, यह पावर देता है कि इस तरह के नेशनल मोनूमेंट स्टेटस जब मिल जाए तो उस जगह को मेंटेन करना, उनका प्रोटेक्ट करना एंड उसे प्रमोट करना, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है। फ्रेंड्स, आदि शंकराचार्य जी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यह माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जो है ये इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड शिवा का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य जी का जो गुरु हैं उनके बारे में माना जाता है कि ये इनके गुरु गोविंद भागवत पदा हैं। आदि शंकराचार्य प्रोपगेटेड, इन्होंने प्रोपगेट किया दो चीज, एक अद्वैत वेदांता एंड दशनामी संप्रदाय, ये दोनों चीज़ों का, दोनों प्रिंसिपल्स का जो प्रोपगेट करने वाले थे ये आदि शंकराचार्य जी है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दशनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की और अद्वैत वेदांता जो फिलॉसफी है, दर्शन है, इनको, इनका ये फिलॉसफी देने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा आदि शंकराचार्य जी के चार शिष्य थे, हस्तकला, सुरेश्वर, पद्मपदा और टोटकाचार्य। ये चार शिष्य हैं, इस क्रोनोलॉजी में ही याद कीजिएगा, ये क्रोनोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे जो हम बताने जा रहे हैं उससे ये लिंक हो जाएगा। आदि शंकराचार्य जी ने चार मठ स्थापित किए, ये पिक्चर देख लीजिएगा कि ये प्लब पिक्चर में हम पूरी से शुरू करेंगे और इस तरह से क्लॉक वाइज आएंगे, पूरी, देन श्रृंगेरी, देन द्वारका एंड देन बद्रीनाथ। यहाँ पे जो पूरी में मठ है उसका नाम गोवर्धन मठ है। यहाँ पे ये जो मठ है ये एसोसिएटेड है ऋग्वेदा से। आप जानते हैं कि हमारे संस्कृति में जो है चार वेदा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, चार वेदा है, चार मठ है, चार शिष्य है, ये तीनों चीज को लिंक कर रहा हूँ। गोवर्धन मठ पूरी उड़ीसा में, ये ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। और इस मठ की स्थापना होने के बाद जो पहले आचार्य थे वो हस्तमलाका जो है, ये जो शिष्य थे ये पहला। दूसरा शारदा पीठ जो श्रृंगेरी कर्नाटका में है ये यजुर्वेद से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। और इनके जो पहले आचार्य थे सुरेश्वरा, देखिए शारदा, एस से शारदा और एस से सुरेश, ये याद रख लीजिएगा, याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। जो द्वारका में पीठ है उसको बोलते हैं कलिका पीठ, ये गुजरात द्वारका में है और ये सामवेद से जुड़ा हुआ है। और इनके जो पहले आचार्य थे ये पद्मदा थे, इसको याद कर लीजिएगा। और जो लास्ट है वो ज्योतिर्मठ है उत्तराखंड में, ये ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, ये बद्रीनाथ में, ठीक है, ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। और इनके जो पहले आचार्य थे वो टोटकाचार्य थे, याद रखिएगा, इस तरह से मैंने एसोसिएट कर दिया है। कल्चर पे क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है UPSC में, इसीलिए यहाँ से कल्चर से क्वेश्चंस के पूछने और बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि आदि शंकराचार्य जी का भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कितना बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। 23 जनवरी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है, उस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाने लगा है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। फ्रेंड्स, आपदा प्रबंधन का मतलब होता है जब बहुत बड़ा आपदा हो उस समय में
आपके पास कितना डेयरिंग होता है उसको प्रबंधन करने का। और ये जब आप सुभाष चंद्र बोस के पूरे जीवनी को देखेंगे तो बहुत ही डेयरिंग लीडर थे, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी, इसीलिए इसको नेताजी बोला जाता है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी निर्णय लेने और उस समस्याओं को सुलझा करके समाधान तक पहुँचने की जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं कि आप लीडर हो। ऐसे लीडर वाले क्वालिटी जिसमें होगा वही आपदा के समय में प्रबंधन कर सकते हैं, इसलिए सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 2022 में जो पुरस्कार दिया जा रहा है, पहला गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को दिया जाएगा और साथ ही साथ एक व्यक्ति है प्रोफेसर विनोद शर्मा जी, इन दोनों को इस पुरस्कार के लिए सेलेक्टेड किया गया है। जो सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु हैं सी आर दास हैं, खुद सुभाष चंद्र बोस इसको स्वीकार करते हैं, सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास जी। सुभाष चंद्र बोस जो है, जो 1938 में कांग्रेस का सेशन हुआ था हरिपुरा में, वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस एज ए इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। 1939 में त्रिपुरी में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वहाँ पे इनको री इलेक्टेड किया गया। यहीं से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में थोड़ा सा मनमुटाव शुरू हुआ, क्योंकि ये जो पट्टाभी सीतारामैया थे जिनको हरा करके सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे री इलेक्ट हुए थे, कहा जाता है कि ये गांधी जी ने ही इन्हें खड़ा किया था। यहीं से मनमुटाव हुआ, देखिएगा, याद रखिएगा, इसी मनमुटाव के कारण सुभाष चंद्र बोस एक नया संगठन बनाया जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था। बाद में नेताजी 1941 में जर्मनी चले गए अफगानिस्तान के रास्ते से, वहाँ जर्मनी में जाकर के 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की और साथ ही साथ फ्री इंडिया सेंटर जो है उनकी स्थापना की। नेताजी बाद में सिंगापुर चले गए, सिंगापुर में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना किए, ये एक तरह का प्रोविजनल गवर्नमेंट था, इनका अपना करेंसी है, अपना सिविल कोड है, आर्मी है और नेशनल एंथम भी था। फ्रेंड्स 1943 में एज ए हेड ऑफ दिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट नेताजी ने ये डिक्लेयर किया है कि अब जो है हमको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट वॉर लड़ना है, युद्ध करना है, और यहीं पर उन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली। और चलो दिल्ली के तहत जब आने लगे, सबसे पहले मोरियांग मणिपुर में जो है वहाँ पहुँचे, साथ ही साथ उन्होंने रंगून, इम्फाल और अंडमान निकोबार जो है उनको अंग्रेजों से जीत लिए। इसके बाद नेताजी ने जिस अंडमान और निकोबार जो आइलैंड थे इनका रीनेमिंग किए, इनको पुनः दूसरा नाम दिए जिसका नाम रखा गया शहीद और स्वराज। अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। भारत सरकार ने 2018 में तीन आइलैंड, रॉस आइलैंड, नील आइलैंड एंड हॉबलेक आइलैंड जो अंडमान निकोबार में है उनका नामांकन किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप रिस्पेक्टिवली, मतलब इस क्रोनोलॉजी में ही कि रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील आइलैंड को शहीद द्वीप और हॉबलेक आइलैंड को स्वराज द्वीप के नाम पर रखा गया। फ्रेंड्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ और फैक्ट है। 1921 में नेताजी सुभाष बोस जो है फॉरवर्ड जो एक पेपर है उनका एडिटिंग किए, साथ ही साथ स्वराज करके एक न्यूज़पेपर है उनको स्टार्ट किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बुक लिखे हैं जिनका नाम है द इंडियन स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल में 1920 से 1934 के बीच जो कुछ भी है उसको कवर किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत ही अवेयर थे, इसीलिए जो उनका INA था उसमें एक वुमेन से रिलेटेड रेजिमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया रानी झांसी रेजिमेंट। फ्रेंड्स गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में भले ही दूरियां भरी हो लेकिन एक दूसरे के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट था, इसलिए बोस जो है गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा करते थे और गांधी जी भी बोस जी को पेट्रियोट एमोंग पेट्रियोट्स, देशभक्तों के बीच में देशभक्त कह करके पुकारते थे। फ्रेंड्स गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस को लेकर के जो कंपेरेटिव स्टडी है ये करना बहुत जरूरी है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बाद में देख लीजिएगा। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जल्लीकट्टू से संबंधित। जल्लीकट्टू एक तरह का बुल टेमिंग स्पोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु। बुल टेमिंग क्या होता है? बुल टेमिंग होता है जो बुल होते हैं जिसको कि हम सांड बोलते हैं, सांड को कंट्रोल करना, कंट्रोल करके उसके जो ये सींग है उसमें कुछ पहनाना, इस तरह से डेयरिंग वाला ये एक्टिविटी है। सांड मार भी सकता है, खतरनाक गेम है ये। तो ये जो स्पोर्ट्स है ये वास्तव में तमिलनाडु का स्पोर्ट्स है। एक फेस्टिवल है पोंगल फेस्टिवल, ट्रेडिशनली तमिलनाडु में ये चला आ रहा है। यह वास्तव में जो बहुत ही अच्छा जब फसल पैदावार होता है उसके खुशी में ईश्वर को थैंक्स गिविंग देने के लिए जो पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है उसी फेस्टिवल के उपलक्ष्य में ये स्पोर्ट्स भी होता है
बुल टेमिंग का स्पोर्ट्स है जिसको जल्लीकट्टू कहा जाता है। जल्लीकट्टू के बारे में संगम लिटरेचर में भी रिफरेंस है, याद रखिएगा। और जो मोहनजोदड़ो से, जो हड़प्पा सभ्यता का एक साइट है, मोहनजोदड़ो से जो सील मिला है, इस सील पे भी बुल टेमिंग का इंडिकेशन है, मतलब डिपिक्टेड है ये चीज। और ये मोहनजोदड़ो से जो सील मिला है लगभग 2500 से लेकर के 1800 BC के बीच का, मतलब बहुत पुराना है फ्रेंड्स। इसी तरह से कुछ और स्पोर्ट्स है जिसका सिमिलरिटी है जल्लीकट्टू से, वो देख लेते हैं। कम्बाला करके एक स्पोर्ट्स है जो आंध्र प्रदेश का है, ये जल्लीकट्टू से मिलता जुलता है। इसी तरह से ब्लॉक कार्ट है जो महाराष्ट्र का है, कॉक फाइट आंध्र प्रदेश एंड अदर स्टेट्स का है, और कैमल रेस जो राजस्थान का है। ये सारे हैं सिमिलर है जल्लीकट्टू से, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड। कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारत सरकार ने एक न्यू कैंपस बनाने का घोषणा किया है। ये नाम है इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल एट चेन्नई, ठीक है, इसीलिए बहुत न्यूज में था। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हायर लेवल का रिसर्च किया जाएगा क्लासिकल तमिल में, एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च किया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स है। साथ ही साथ इसका एम्स है, एम ये है कि जो तिरुकुरल है, ये इनके जो रचयिता है, इनको राइटर है तिरुवल्लुवर, बहुत महान संत है भारतीय परंपरा के। अक्सर आप देखिएगा कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब जब भी फॉरेन जाते थे या इंडिया में भी बहुत सेमिनार को जब वो संबोधित करते थे तो इन्हीं महान संत के बहुत सारे कोटेशन को वो कोट करते थे। मुझे याद है यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे कलाम साहब जब भाषण दे रहे थे तो वहाँ पे इसी संत के बहुत सारे उक्तियों को, बहुत सारे कोटेशन को वहाँ कोट किए थे। इसलिए इस जो संत हैं तिरुवल्लुवर जी, इनका जो ये बुक है तिरुकुरल, इनका ट्रांसलेट करना है, इनको पब्लिश करना है भारत के बहुत सारे लैंग्वेज में, एज वेल एज जो फॉरेन के लैंग्वेज है उनमें भी इनको ट्रांसलेट करना है, ये एम्स है। जो अभी तक भारत में क्लासिकल लैंग्वेज है वो 6 है, ये याद रख लीजिएगा। तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ा है, मलयालम है और उड़िया है फ्रेंड्स, ये 6 लैंग्वेज है। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन है क्लासिकल लैंग्वेज को घोषित करने का। 3 कंडीशन है कि उनका जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री होना चाहिए वो लगभग 1500 से लेकर के 2000 साल का होना चाहिए। पहला, उनका जो लिटरेचर या टेक्स्ट होना चाहिए वो वैल्यूएबल हेरिटेज का होना चाहिए, उसमें मतलब जैसे ये तिरुवल्लुवर संत जो हैं, इनके जो ये बुक है तिरुकुरल, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है भारतीय संस्कृति में। जो वेद है जो संस्कृत का, संस्कृत लैंग्वेज में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इस तरह से वो एक वैल्यूएबल हेरिटेज होना चाहिए भारतीय संस्कृति के। और जो थर्ड है, उनका जो लिटरेरी ट्रेडिशंस है वो ओरिजिनल होना चाहिए, नॉट बोरोड फ्रॉम अदर स्पीच कम्युनिटी, दूसरे कम्युनिटी से वो बोरोड नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन जब फुलफिल होता है तो ऐसे लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। फ्रेंड्स, पद्म अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये सिविलियन अवार्ड है, इसको 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था, डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। इसमें 3 कैटेगरी है। हाईएस्ट कैटेगरी जो होता है पद्म विभूषण होता है, उसके बाद वाला कैटेगरी पद्म भूषण होता है, और सबसे लास्ट वाला कैटेगरी जो होता है पद्मश्री है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा साइज जो है पद्म विभूषण का है, उसके बाद पद्म भूषण का, एंड देन पद्मश्री का। साथ ही साथ हम लोग भारत रत्न के बारे में जरा जान लेते हैं। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है ये भारत रत्न। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है। इस दिन को साहबजादा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को शहादत मिला था, मतलब शहीद किया गया था। जोरावर सिंह जी एंड फतेह सिंह जी जो हैं, जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी इनके पुत्र रहे हैं। इनको किल्ड किया गया, लगभग दोनों भाई जो थे 6 साल के थे एक भाई और दूसरे 9 साल के थे, सरहिंद में जो मुगल फोर्स है वहाँ पे इनको शहीद कर दिए थे, मार दिए थे। जोरावर सिंह जी और जो फतेह सिंह जी थे, इनके बारे में ये कहा जाता है, मतलब ईंट का जो वो होता है दीवार को चुनवा करके उसमें इसको मार दिया गया था। मौत का डर नहीं था इनको, ये अपने फेथ जो है, अपने जो विश्वास है, अपने जो वैल्यूज है उनको लेकर के अडिग रहे। कि ये लोग बोल रहे थे कि धर्म परिवर्तन करो, इन्होंने बोला कि नहीं, जो हमारा धर्म है उसका जो वैल्यू है उसी को लेकर के ये अडिग रहे। ये जो साहस है इनका, इसी साहस को ध्यान में रखते हुए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग इस वीर बाल दिवस के रूप में मना करके। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिविंग रूट ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में इसलिए है कि यूनेस्को हेरिटेज टैग जो है, ये लोग चाह रहे हैं कि इनको यूनेस्को हेरिटेज जो है ये मान्यता दिया जाए इस ब्रिज को। इस ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। ये ब्रिज जो है एक पेड़ जो है उनके
हेल्प से ये बनाया जाता है। उस पेड़ का नाम है फिकस इलास्टिका, ठीक है। इस तरह का जो ब्रिज होता है उसको सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। सस्पेंशन ब्रिज एक बार आप देख लीजिएगा, सस्पेंशन ब्रिज मतलब ये होता है कि एक तरह का टावर होता है, बड़ा बड़ा टावर होता है दो साइड, उसमें से तार निकले रहते हैं। इस तार से इस ब्रिज का वेट जो है उसको उठाया जाता है, इसको बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज। तो आप देख रहे हैं इस तरह से बनाया जाता है। फिर यहाँ पे भी एक बड़ा सा पेड़ होगा या पिलर होगा, यहाँ पे भी ये तार से जुड़ा होगा, ये भी जुड़ा होगा। इस तरह से इस वेट को, इस तरह से यहाँ पे ब्रिज के वेट को, लोड को उठाया जाता है। इस तरह के ब्रिज को सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। ये सस्पेंशन ब्रिज जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो मेघालय में है यहाँ पे बहुत पाया जाता है। इसी रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो मेघालय में इस तरह के ब्रिज हैं, इनको लेकर के कहा गया है कि इनको यूनेस्को हेरिटेज टैग जो है इनको दिया जाए। फ्रेंड्स ये देख लेते हैं फिकस इलास्टिका क्या होता है। एक ट्री होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है सब ट्रॉपिकल जो टेरेन है मेघालय का वहाँ पे पाया जाता है। इनकी ऊंचाई 15 फीट से लेकर के 250 फीट के बीच होता है। इस ब्रिज को बनाया जाता है खासी ट्राइब्स, जो इंडिजिनस ट्राइब्स है वहाँ का मेघालय का, उनके द्वारा बनाया जाता है। और इसको बनाने में लगभग 15 से 30 साल का प्रोसेस है, धीरे धीरे बनाया जाता है। और जब ये ब्रिज एक बार बन जाता है तो ये लगभग 100 साल, 200 साल तक ये रहता है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये साबित करता है कि कितना पेशेंस है, कितना लॉन्ग टर्म विजन है इन खासी ट्राइब्स के लोगों का। यहाँ से हमको सीखना पड़ेगा, जो भारतीय संस्कृति के जो तत्व हैं, जो बेसिक तत्व हैं, वो अभी भी ये आदिवासी लोग, जो ट्राइब्स लोग हैं, इनके द्वारा संभाल के रखा गया है। ये मूल जो है संस्कृति जो है इन्हीं के पास बचा हुआ है, इनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस तरह के सस्पेंशन ब्रिज का? ये मिनिमल जो है मटेरियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है इसका, और कोई इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं है इसका। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। फ्रेंड्स ये रिपोर्ट आया हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, ये जो है फॉरेस्ट एंड ट्री जो कवर है पूरे देश में उसको लेकर के एक तरह का असेसमेंट करता है, ये पब्लिश करता है इसको। और हर एक दो साल पे इस तरह का सर्वे होता है, और इसको सर्वे करने वाला जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI है। सबसे पहला जो सर्वे हुआ था 1987 में हुआ था, और अभी जो 2021 में हुआ है यह 17th रिपोर्ट है। टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो देख लेते हैं, 7,13,789 किलोमीटर जो है टोटल फॉरेस्ट कवर भारत में है। और ये भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इसका 21.71% है। भाई साहब इसको देख लीजिएगा, टोटल जो फॉरेस्ट कवर है एरिया में, उसमें जो टॉप 5 स्टेट्स है वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। टॉप 5 स्टेट जो परसेंटेज में है वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा, इसको देखते हैं बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030। देखिए एक चीज याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी ये सी से शुरू है, जो पहले हम लोग सुने हैं वो एस से शुरू होता है बायोडाइवर्सिटी, ये थोड़ा सा अलग है। बायोडाइवर्सिटीज ये सिटी, वो सिटी है, ये सिटीज है, मतलब शहर की बात किया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF, ये पब्लिश किया है एक रिपोर्ट जिसका नाम ही है बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज, इस रिपोर्ट का नाम है। इसके बारे में जानते हैं, बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 जो इनिशिएटिव्स है ये क्या है। एक ये इनिशिएटिव्स जो है ज्वाइंट इनिशिएटिव्स है किसके किसके बीच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया के बीच। ये याद रखिए, गवर्नमेंट कोलंबिया जो है इनका और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इन दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव्स है। एम क्या है इनका, एम है कि सपोर्ट करना है सिटी गवर्नमेंट को, जो बिजनेसेस हैं उनको और सिटीजन्स को, और इस तरह से एनेबल्स करना है सिटी को, शहर को, कि किस तरह से नेचर के साथ हारमोनी बना करके रहा जा सकता है, इसके लिए एनेबल्स करना है और 2030 तक ये करना है। फ्रेंड्स ये देखिए, दो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला बिल्डिंग जो है बहुत ऊंचाई वाला बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में किस तरह से पौधे को चारों बगल बालकोनी या टेरेस में जो है इस पौधे को लगाया गया है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें जो इस तरह से जो टेरेस है, जो ये बालकोनी है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे को लगाया गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कहना ये चाहता है कि इस घर के अंदर में मानव है और घर के बाहर में ये जो है पेड़ पौधे को बड़े पैमाने पर लगाया गया। इसका मतलब मानव जो है वो ऑक्सीजन लेता है, ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ता है। मानव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन से लेता है। इतना सुंदर रिलेशंस
ये अगर पहले समझ में आ जाता तो कोरोना के समय में जो ऑक्सीजन को लेकर के हाहाकार मचा हुआ था, बहुत लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए, वो शायद कंडीशन से हम लोग बच सकते थे। फ्रेंड्स, जरा हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल जो है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है और इनका जो निर्माण है फाउंडेशन है 1971 को हुआ। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इन सारे टॉपिक को कवर किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 प्लस जो जनरल अफेयर्स के टॉपिक है उनको कवर किया इसमें से आज हमारा 8th लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल कॉमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।